मऊ से मऊ जिला प्रशासन ने जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज 24 करोड़ रुपए की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग पर कार्यवाही के तहत अंसारी के बेटों अब्बास और उमर के नाम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दसई पोखरा स्थित 8,880 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली 24 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस सरकारी जमीन को मुख्तार अंसारी ने अभिलेखों में हेरा फेरी कराकर अपने बेटों के नाम दर्ज करा ली थी। प्रशासन ने बताया कि जिला प्रशासन ने अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कुर्की करवाई गई थी। जिला प्रशासन के मुताबिक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और अन्य कई मामलों में इस समय जेल में बंद है। मऊ सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार व गिरोह से जुड़े लोगों की अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इस मामले को लेकर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र का मामला है, दसई पोखरा के पास की ये जमीन थी जिस पर ये कार्रवाई हो रही है। 24 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है और जो ये मुख्तार अंसारी के माँ के नाम थी ये संपत्ति, वहीं पे इसका जो वसीयतनामा था वो दोनों बेटों के नाम था मुख्तार के। और ये फिलहाल ये बताया जा रहा है, पुलिस ने अपने चीजों में जांच में ये पता किया कि अवैध तरीके से ये संपत्ति मुख्तार ने अर्जित करी थी और इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। इस जमीन को पुर किया जा रहा है, 24 करोड़ की संपत्ति ये बताई जा रही है और लगातार मुख्तार के तमाम जो सहयोगी रहे, उसके करीबी रहे, उनकी तमाम संपत्तियां पिछले दिनों इसी तरीके से कुर की गई हैं या उनको, चाहे अगर अवैध प्रॉपर्टीज रही हैं या जो इमारतें रही हैं उनको जमींदोज किया गया है। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, जैसे अगर बात की जाए तो मऊ, गाजीपुर और ये तमाम जो आसपास के जो जिले हैं वहां पर इसी तरीके की कार्रवाइयां लगातार पुलिस कर रही है। और पुलिस का ये मानना है कि जो भी मुख्तार के जितने भी करीबी हैं या जो भी अवैध तरीके से जितने भी लोगों ने संपत्तियां अर्जित की हैं उन सभी के ऊपर फिलहाल पुलिस की निगाह है और पुलिस एक एक करके लगातार कार्रवाइयां जारी है पुलिस की।